हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर हर जगह हलचल मची हुई है। चारों तरफ से इस मुद्दे पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं उस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा के तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के गृह मंत्री के निर्णय को लेकर ट्वीट किया है। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने के अमित शाह के ऐलान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया। राज्यसभा गुलाम नबी आजाद और जादूगर डायनामाइट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री अमित शाह, आशा करता हूं कि बीजेपी का ये बोल्ड निर्णय सकारात्मक और प्रगतिशील हो। अगर यह निर्णय मददगार होता है, उत्पादक होता है, विकास और कश्मीरियों के लिए प्रभावी होता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, इस साहसी कदम के लिए सभी लोगों और नेताओं को बधाई हो। अब हमें कश्मीर की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आखिर सच हो गया। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने अगले ट्वीट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सलाम किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरा सैल्यूट, कश्मीर जिंदाबाद, जय हिंद। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। वैसे आपको बता दें कि शत्रुघ्न हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद से ही उनके तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को पास हुए 3 तलाक बिल का समर्थन करते हुए मोदी शाह की तारीफ की थी, जबकि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ थी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।